हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। माई सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारी एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्वामी रामा हिमालयन इंस्टीट्यूट जो देहरादून में लोकेटेड है। स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी का ही ये एक कॉलेज है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं इस कॉलेज की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ एंड यहाँ पे आपका कैसे एडमिशन हो सकता है, टोटल सीट और भी ढेर सारी बातों के बारे में, जैसे हॉस्पिटल हो गया, फैसिलिटीज हो गई, तो बातें करेंगे। आप फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब क्योंकि कॉलेज रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। सबसे पहले बात करें अगर हम इस कॉलेज के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये कॉलेज 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो ईयर वाइज तो काफी साल हो गए हैं इसको मतलब मेडिकल फील्ड में अपनी पकड़ बनाए। एंड बात करें अगर इस कॉलेज की कुछ लोकेशन, स्वामी राम नगर जोली ग्रांड डोई वाला देहरादून में ये कॉलेज लोकेटेड है। एयरपोर्ट और जो रेलवे स्टेशन की से इसकी दूरी है तो ज्यादा दूर नहीं है, 5.2 किलोमीटर इसकी रेलवे स्टेशन से दूरी है जो इसका डोईवाला वाला रेलवे स्टेशन है। एंड इसके अलावा एयरपोर्ट से भी ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला आपका, मतलब ज्यादा ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगी रेलवे स्टेशन भी, एंड वो भी हाफ एन आवर के अंदर सब कवर हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ ये कॉलेज है। एंड अगर मैं अब इसकी कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो देखो इस कॉलेज का जो हॉस्पिटल है काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, एंड पेशेंट फ्लो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है इस कॉलेज में। एंड पहाड़ों में सिचुएटेड है कॉलेज तो यार काफ़ी अच्छी एक वाइब अलग से देता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी। देखो अच्छा तो लगता है, पढ़ाई वढ़ाई के मामले में भी बढ़िया कॉलेज है। आप इतना मतलब सोचे नहीं, अगर आप कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी आप प्रेफर कर सकते हैं। एंड आगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे ही रहा हूँ। तो देखो ये कॉलेज एफिलिएटेड है स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी से। एंड अगर मैं बात करूँ अप्रूव्ड की तो NMC के द्वारा प्रॉपरली अप्रूव्ड है। एंड हम अब फटाफट से इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड का भी आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर पता ही होगा कि यहाँ पे भी स्टेट एंड मैनेजमेंट कोटा दो हिस्सों में फीस डिवाइड होती है। तो जो स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं यानी देहरादून के या फिर जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं के लिए इस कॉलेज में जो फीस रहने वाली है वो है 13,32,000 यानी 30,32,000। एंड यही सेम ट्यूशन फीस मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स यानी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए है 18 लाख। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, काफी ह्यूज डिफरेंस है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे हॉस्टल की जो फीस है वो देखने को मिलेगी 90,000 एंड 50,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी मेस की फीस। और ये दोनों के लिए सेम है यानी स्टेट एंड मैनेजमेंट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड आपको यहाँ पे 2 लाख सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, मतलब जो वन टाइम होता है, रिफंडेबल होता है बल्कि आपको बाद में वापस हो जाता है। एंड वन टाइम आपको यहाँ पे 1,12,000 पे करने होंगे जिसमें आपका मिसलिनियस एंड ऑल सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। एंड अगर मैं आपको अब बताऊँ यहाँ का टोटल पैकेज आपका कितने का रहने वाला है तो स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब उनकी फीस है 67,32,000 के आसपास ये पैकेज पड़ जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट कोटा वाले स्टूडेंट्स का जिनकी फीस के हिसाब से टोटल पैकेज आपका 88 लाख के आसपास, अप्रोक्सीमेटली मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, इसको कैलकुलेशन 88 लाख के आसपास आपका पड़ जाता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं इस कॉलेज को। एंड हम अब आगे बढ़ते हैं इस कॉलेज की, हम आपको टोटल सीट के बारे में बताएं तो 150 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है MBBS स्टूडेंट्स के लिए जिसमें से 40% रिजर्वड है स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यार देखो स्टेट वालों को तो थोड़ी सी मतलब दी जाती है प्रेफरेंस ज़्यादा। एंड अब मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो स्टेट कोटा वाली जो कट ऑफ है यानी जनरल कैटेगरी की वो है 360 एंड 370 प्लस चली जाती है। मतलब अगर आपको एडमिशन लेना स्टेट कोटा वाली फीस में और अब आप बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से तो आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं है तो आपको मैनेजमेंट कोटा में ही एडमिशन लेना पड़ेगा जिसकी आपको फीस 88 लाख देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं मैनेजमेंट कोटा की आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं तो यार देखो ये 200 प्लस मोकअप में आपका हो जाएगा क्योंकि आप गेट एडमिशन की हेल्प ले सकते हैं, गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार आप बेफिक्र होकर स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं एंड अपना एडमिशन बुक करा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही हम बात करते हैं इसके सबसे जो मेजर इम्पैक्ट डालता है ये कॉलेज वो है इसका कैंपस, वो है 150 एकर्स का इसका कैंपस है। 150 एकर्स आप सोच के देखो कितना बड़ा है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखो, एक तो पहाड़ ऊपर से ग्रीन, ऊपर से इतना बड़ा कैंपस, यार और क्या वाइब चाहिए इंसान को घूमने के लिए, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, बेहतरीन व्यू, बेहतरीन वाइब्स। तो इस मामले में तो आप इसको बिना देखे अप्रोच कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसके अलावा भी इसकी फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्टल में इसकी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आपको मतलब अटैच बाथरूम नहीं मिलता आपको, मतलब ऐसा कॉमन बाथरूम मिलता है लेकिन यहाँ पे अलमीरा है आपके उसमें एंड स्टडी टेबल है, प्लग मतलब जो प्लग्स होते हैं वो काफ़ी सही हैं, बिजली बिजली के तार वार ठीक हैं,
तो ये सारी हॉस्टल की सुविधाएं बढ़िया है। लॉन्ड्री की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप खुद भी धो सकते हैं, बट लॉन्ड्री आपको अगर लेनी है धोबी से, आपको धुलवाने हैं तो आप धुलवा सकते हैं, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड इसके अलावा आउटिंग टाइम भी अवेलेबल है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, बट आपको एज अ रीज़न बताना होगा, परमिशन लेके जाना होगा मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, बट हाँ यार इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, जा सकते हैं बाहर। एंड इसके अलावा तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी, कैंटीन, कैफेटेरिया, घूमने फिरने के लिए अच्छी सी वाइब्स एंड मेडिकल की फैसिलिटीज़ जेन्युइन, ऑडिटोरियम, स्टाफ काफ़ी अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें बनाई गई हैं अच्छे से, आप अप्रोच कर सकते हैं इस कॉलेज को ज़रूर। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए बस इतना काफ़ी रहेगा, आपको मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर कुछ रह गया तो आप गेट एडमिशन को डायरेक्ट कॉल करके अपने सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो एक छोटी सी। तो चलिए आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अब मुलाकात तभी होगी ना जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।